बक्सर जिले के लिए अति प्राचीन मंदिर बाबा परमेश्वरनाथ मंदिर के लिए एक अच्छी खबर है। ब्रह्मपुर स्थित बाबा परमेश्वरनाथ धाम अब इसकी तस्वीर बदल जाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गुरुवार को ऑनलाइन के जरिए यहां होने वाली कई योजनाओं का शिलान्यास किया, उन्होंने जिसके बाद अब परमेश्वरनाथ मंदिर का पूरी तरह से कायाकल्प और तस्वीर बदल जाएगी। इस कार्य के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा लगभग 9 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति की गई है, जिसके लिए यहां सौंदर्यकरण को लेकर कई काम कराए जाने हैं। इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और बक्सर सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी जुड़े। हालांकि पिछले 2 दिनों पूर्व पर्यटन विभाग द्वारा विकास की राशि स्वीकृत किए जाने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने यहां पहुंचकर परमेश्वर स्थित बाबा परमेश्वरनाथ धाम का किया था और पूजा अर्चना के बाद जल्द ही यहां के विकास को लेकर काम शुरू किए जाने की आश्वासन भी दिए थे। इससे पहले यहां का पंडा समाज के साथ स्थानीय लोगों की तरफ से बाबा परमेश्वरनाथ धाम को विकसित करने को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही थी। बाबा परमेश्वरनाथ धाम के प्रांगण में एक ऐतिहासिक तालाब है, जिसका सौंदर्यीकरण करने के अलावा पार्क निर्माण से लेकर कई ऐसे कार्य किए जाने हैं जिससे आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। गौरतलब हो कि स्थानीय लोगों ने इस बाबत जिला प्रशासन से भी मांग रखी थी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से सरकार को इस संबंध में खुद जिलाधिकारी से अवगत कराया गया था। इस कार्य को लेकर सारी बाधाएं लगभग साफ हो गई हैं। ये सब बात तो ही है, आप लोगों को तो मालूम है कि यहाँ पर हम लोग काम कर ही रहे, और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोगों ने 2016 में ही बिहार मंदिर चार दीवारी निर्माण योजना की शुरुआत की, और ये तय किया कि जो 60 साल से पुराना जितना मंदिर है और जो मंदिर जो है उसकी घेराबंदी हम लोग करें, खास करके धार्मिक न्यास परिषद से जो जुड़ा हुआ है उस मंदिर की घेराबंदी करें। कई जगह की घटनाएं घटती थी कि मंदिर में कोई घुस करके इधर उधर गड़बड़ी कर देता था, कोई महत्वपूर्ण जगह को निकाल लेता था, कभी कभी कोई मूर्ति को भगा हटा लेता था। इस तरह की घटनाएं कई बार घटी थी, तो इस तरह की बातों को देखते हुए हम लोगों ने समझा कि भाई हम लोग सारे इन मंदिरों का खास करके सबसे पहले शुरू किया कि 7 साल से ज्यादा समय का जितना भी है उन सभी मंदिरों का हम लोग पूरे तौर पर घेराबंदी कर दें, और लगभग 295 मंदिरों का की चार दीवारी का निर्माण काम पूरा कर लिया गया, और बहुत जल्द ही ब्रह्मपुर का परमेश्वरनाथ धाम अब एक नए रूप में नजर आएगा। बाबा परमेश्वरनाथ धाम के विकास को लेकर पर्यटन विभाग और सरकार की पहल के बाद यहां स्थानीय लोगों ने काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल बाबा परमेश्वरनाथ धाम की महिमा काफ़ी प्राचीन है, ऐसी मान्यता है कि यहां के भोलेनाथ के दर्शन मात्र से ही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, बड़े बड़े संकट से भी यहां आकर छुटकारा मिल जाता है। यही वह मंदिर है जहाँ भोलेनाथ के स्वयं मंदिर का प्रांगण दरवाजा रातों रात की तरफ से दूसरी ओर मुड़ गया था, जिसके बाद प्राचीन काल में यहाँ के आक्रमण करने वाले राजा मोहम्मद गजनी की नतमस्तक होकर चला गया था। महादेव की महिमा देखने के बाद कहा जाता है कि गजनी मूर्तियों को खंडित करना चाहता था पूरे भारत में, मगर परमेश्वरनाथ के सामने नतमस्तक हो गया। तब से इनकी महिमा जानकर लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं बड़ी श्रद्धा से। अब खबर के साथ यह भी बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री ने शिलान्यास के दौरान अपने भाषण में कहा कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर परमेश्वरनाथ स्टेशन किया जाएगा, ताकि पर्यटन और धार्मिक लोगों को दोनों दृष्टिकोण से यहां की महत्ता को जाना जा सके। रेलवे यात्रा के दौरान संजीव उपाध्याय की रिपोर्ट, सिटी न्यूज बक्सर से एक स्पेशल रिपोर्ट। इसका नाम बाबा परमेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन के रूप में किया गया। हमने भी जैसा ही हम लोगों ने कहा कि हमने यहाँ से करके
और यहाँ से बाजाबता राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट केंद्र में भेज देंगे हम लोग इस डिपार्टमेंट को। उस डिपार्टमेंट को तो हम उस समय श्रद्धेय अटल जी के संपर्क में हम भी रहे मंत्री, तो यहाँ से चला जाएगा तो उसको पूरा भरोसा है और केंद्रीय मंत्री जी से भी बात हम लोग कर लेंगे कि ताकि इसका नामकरण लोग कर दें, ये बड़ी खुशी की बात होगी। आगे से आगे चलिए।